व्लादिमीर पुतिन के रूस के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के बाद से यूक्रेन युद्ध खतरनाक होता दिख रहा है। पुतिन ने जीत के बाद अपने पहले संबोधन में पश्चिमी देशों को धमकाते हुए तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी तक दे डाली है। बताया गया है कि रूस के राष्ट्रपति पद के चुनाव की वोटिंग के दौरान भी रूसी सेना यूक्रेन पर भीषण हमले जारी रखते हुए हावी हो रही थी। दावा किया जाता है कि बीते कुछ महीनों से रूस ने यूक्रेन पर अपना आक्रमण तेज कर दिया है। इसी बीच अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा कर यूक्रेन पर सनसनीखेज खुलासा किया है। इसके मुताबिक यूक्रेन ने अपने पश्चिमी समर्थक देशों को बताया है कि युद्ध भूमि में अलग अलग जगह तैनात किए गए एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें मार्च के आखिर तक खत्म हो जाएंगी। इसके बाद रूसी हमलों का जवाब देने के लिए यूक्रेन एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। कीव के प्रतिनिधियों ने पिछले महीने ही एक सुरक्षा सम्मेलन के दौरान पश्चिमी देशों को इस बारे में जानकारी देकर अलर्ट कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने दावा किया था कि यूक्रेनी सेना, जो पहले रूस की ओर से दागी गई हर 5 मिसाइलों में से 4 को मार गिराने में कामयाब हो रही थी, लेकिन जल्द ही 5 में से 1 को ही निशाना बनाने में सक्षम रह पाएगी। बता दें कि रूस जैसे ताकतवर देश के सामने छोटा सा यूक्रेन सिर्फ और सिर्फ अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों की मदद के सहारे अब तक टिक पाया है। हालांकि यूक्रेन का सच्चा साथी बताने वाले पश्चिमी मुल्क अब धीरे धीरे मदद से हाथ खींचते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन को लगातार युद्ध मोर्चे पर हार का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि अपनी हार नजदीक होते देख ज़ेलेंस्की एक बार फिर पश्चिमी देशों के दौरे कर मदद की गुहार लगाने में जुट गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि एयर डिफेंस मिसाइलों की कमी का यूक्रेन के शहरी जीवन पर काफी प्रभाव पड़ सकता है। दरअसल रूस यूक्रेन के सैन्य ठिकानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन अभियान चला रहा है, जिसका मुकाबला करने के लिए यूक्रेन के पास एयर डिफेंस सिस्टम का भंडार खत्म हो रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि अगर यूक्रेन को अमेरिका से समय रहते ज्यादा से ज्यादा सैन्य मदद नहीं मिलती है तो यूक्रेन युद्ध में हार जाएगा और बड़े पैमाने पर लोगों के हताहत होने की संभावना रहेगी। मालूम हो कि बाइडेन प्रशासन पिछले साल अक्टूबर महीने से यूक्रेन के लिए $60 अरब की अतिरिक्त सहायता देने की कोशिश कर रहा है, मगर उनकी पार्टी अब तक रिपब्लिकन पार्टी को मना नहीं पाई है। गौरतलब है कि मॉस्को ने बार बार चेतावनी भी दी है कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को हथियारों की डिलीवरी उसे अपने सैन्य अभियानों के लक्ष्य को प्राप्त करने से नहीं रोक सकती, बल्कि ये केवल लड़ाई को लंबा खींचेगी। इससे रूस और नेटो देशों के बीच सीधे टकराव का खतरा बढ़ सकता है। बता दें कि रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने भी कहा था कि रूसी हमलों का मकसद यूक्रेन की सैन्य क्षमता को कुचलना है। बीते बुधवार को मॉस्को में रक्षा मंत्रालय ने दावा किया था कि यूक्रेन के खार्किव इलाके में रूसी सेना की ओर से अमेरिका द्वारा सप्लाई किए गए पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया था।